नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन थियरी 6 में। और रीजनिंग पजल का ये सातवां क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम SBI, जो कि अभी 23 तारीख को होने वाला है और एक 5 अगस्त को सीटिंग है इसकी। तो जिन बच्चों का एग्जाम है ये, एक बार जरूर इस वीडियो को देख लें और ऐसे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं ये RRB PU मेंस में पूछ चुका है। तो बच्चों SBI का एग्जाम में थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा रीजनिंग का, तो हमारे साथ बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में। देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इस वीडियो को, इस पजल को। और अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। तो ये देखिए, ये है सवाल, कह रहा है कि 8 व्यक्ति PQRSWXYZ जो कि एक वर्गाकार मेज पर बैठे हैं और मेज के केंद्र की ओर चेहरा करके बैठे हुए हैं, यानी कि जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं 8 वो क्या सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि जिनमें से 4 व्यक्ति कोने पे बैठे हैं, इट मींस कि यहाँ कोई बैठा है, ठीक है, ये 4 कोनों पे बैठे हैं और 4 जो है इनकी भुजाओं पे बैठे हैं मध्य में, ठीक है। ये ऐसे चार लोग बैठे हैं, यानी 8 लोग टोटल बैठे हैं। अच्छा, जो मेज के कोने में बैठे हैं उनका उम्र 2 के गुणांक है, यानी कि जो मेज के कोने पे बैठे हैं, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है हिंदी में इसलिए है बच्चे, क्योंकि क्योंकि जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं उनकी तैयारी हिंदी में है, तो पजल को हिंदी में कैसे सॉल्व करते हैं ये बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, वन बाय वन उसको कहीं ना कहीं नोट करते जाओ, पजल ऑटोमेटिक बन के रेडी हो जाएगा 2 मिनट में, ठीक है। 2 नहीं तो एटलीस्ट 5 मिनट में आपके 5 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे, ओके। तो कह रहा है कि जो कोने में बैठे हैं उनकी उम्र 2 के गुणक है, यानी कि कोई जो कोनों पे बैठे हैं वो 4 होगा या 8 होगा या 12 होगा या 14 होगा या 20 होगा या 22 होगा या 44 होगा, ऐसा इनका मानना है कि, ठीक है, ऐसा इनका मानना है कि 2 के गुणक है, यानी कि ऐसे उम्र के लड़के बैठे हुए हैं कोनों पे, ओके। चलिए, और जो बीच में बैठे हैं, मध्य में बैठे हैं, सेंटर में बैठे हैं लड़के, ये जो है इनके जो उम्र है वो 3 के गुणक है, यानी कि 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, एज इट इज, ठीक है, 51 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंडीशन को देखिए, पहला कंडीशन है कि, पहला दूसरा कंडीशन तो समझ गए आप, तीसरा कंडीशन कहता है कि नाम पी नाम का व्यक्ति उसके दाहिने बैठा है, उसके दाहिने दूसरा बैठा है जिसकी उम्र 44 है, ठीक है। तो मान लो सपोज कि 44 है तो जाहिर सी बात है ये कॉर्नर पे बैठेगा क्योंकि ये 2 का गुणक है, तो मैंने इसको यहाँ बैठा दिया 44 को, ओके। पी जो है वो तुरंत पड़ोसी है जिनकी उम्र 39 है। अब 39 क्या है, तो 3 का गुणक है, 2 का गुणक है नहीं, तो हो सकता है ये कहीं बीच में बैठा होगा, तो देखो ये पी को यहाँ बैठा दो तब ये हो जाएगा क्लियर, क्योंकि इसका जो राइट है ये है और ये लेफ्ट है, ठीक है, क्योंकि आप सेंटर की तरफ फेस करके कहीं बैठोगे तो आप अपने हैंड के हिसाब से, हाथ के हिसाब से लेफ्ट और राइट डिसाइड कर ही लोगे। तो ये देखो राइट इधर है आपका और ये लेफ्ट इधर जाएगा, और ये बोल रहा है कि दाहिने दूसरा है, तो पी बैठा दिया मैंने यहाँ पे। अब इनका स्थान जो है फिक्स हो गया कि अब ये यहाँ से हिल नहीं सकते हैं। अब बोल रहा है कि पी जो है वह तुरंत पड़ोसी है जिनका उम्र 39 है, सपोज 39 यहाँ भी हो सकता है और एक 39 यहाँ भी हो सकता है जो कि ऐसे फेस करके बैठा है सामने, ओके। 2 व्यक्ति क्यू और जिनकी उम्र 39 है उसके बीच में बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं जिसकी उम्र 39 है और क्यू के बीच में, तो क्यू का हमें पता नहीं है और क्यू बोल रहा है कि, सॉरी, हाँ क्यू बोल रहा है कि 44 नहीं है, यानी कि 44 यहाँ पे क्यू नहीं है। ये अगर ये 39 यहाँ बैठता है तो क्यों यहाँ नहीं आ सकता है, क्यों एक यहाँ जाएगा, ठीक है, क्यों एक, 2 लोग बैठे हैं यहाँ पे इसके मध्य में और बस, ठीक है। क्योंकि अगर इसकी बात करें तो 1 2 यहाँ इसके अकॉर्डिंग भी ये सही बैठ रहा है, ठीक है। तो चलो क्यों का जगह हो गया फिक्स, यानी यहाँ पे, ओके। कोई दिक्कत है अभी तक, नहीं ना, तो अगर होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। W जो है वो Q के बाएं दूसरा बैठा है, Q के बाएं यानी कि लेफ्ट, तो अगर इसका फेस इधर है तो लेफ्ट किधर होगा इसका, इस साइड होगा, तो 1 2 यानी कि W का स्थान यहां आ गया, ये हो गया हमारा क्लियर।
कह रहा है अगला कंडीशन कि एस जो है वो तुरंत दाहिने बैठा है जिनकी उम्र 15 है। अब देखो 15 जो है वो 3 का गुणक है ना, 3 का गुणक, तो हो सकता है किसी मध्य में ही बैठा हो। अब यहाँ एक 39 है तो यहाँ 15 भी हो सकता है, क्योंकि अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि 39 यहाँ भी हो सकते हैं, एक 15 यहाँ भी हो सकता है, एक 15 यहाँ भी हो सकता है। अब बोल रहा है कि इसकी एज जो है वो तुरंत दाहिने है जिसकी उम्र 15 है। अब इसका दाहिना, अगर इसका दाहिना देखे पहले, ठीक है, इसका दाहिना तो ये क्यू बैठा है, तो यहाँ तो 15 हो ही नहीं सकता है। इसके दाहिने देखें तो यहाँ तो W बैठा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। और इसके दाहिने देखें तो ये 44 है, तो इट मे बी कि यहाँ पे एस हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे एस लिखा, इसका स्थान मैंने फिक्स किया। अभी यहाँ पर तीन व्यक्ति जेड और उस व्यक्ति के बीच में बैठे हैं जिनकी उम्र 15 है। अब जेड का स्थान पता नहीं है, पर 15 का तो पता है, तो अकॉर्डिंग टू द दिस 15, 1 2 3, तो जेड यहां आ जाएगा। इधर से भी अगर काउंट करोगे तो 1 2 और ये 3, है ना, 3 लोग बैठे हैं, तो यानी जेड एनी हाउ यहां पे आएगा। अच्छा ये हो गया, जिनकी उनकी उम्र का अंतर 6 है, जो जेड और जेड के बाएं दूसरे बैठे हैं। अब जेड का बायां यानी कि पी, एक और ये 39 वाला, 39 है और ये जेड, तो जेड और जेड पे भी मान लो कि 39 बैठा है, तो इन दोनों के बीच, मतलब इसके जेड के और ये यहाँ पे जो बंदा बैठा है, इनके एज का डिफरेंस है 6, है ना। तो सपोज इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। ये बोलता है कि जेड और मध्य में जो बैठा है यहाँ पे, जो भी बंदा हो, ठीक है, उनके बीच का अंतर हमें 6 है, ये पता है इतना। एस जो है जेड से बड़ा है, एस जो है वो जेड से बड़ा है, तो देखो अगर 39 यहाँ पे है तो सही है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन हम लगाएंगे, क्योंकि ये तो पता चल गया हमें कि एस जेड से बड़ा है, तो यहाँ पे 45 अगर होता और ये होता 39, तो इसका डिफरेंस ये होता, पर यहां पे बोल रहा है कि एस जो है जेड से बड़ा है, ठीक है, तो इसका तो ठीक है, चलेगा ना। अभी यहां पे तो कोई कंडीशन नहीं है, एस जेड से बड़ा यानी कि 39 से बड़ा है, ये कंडीशन यहां फुलफिल कर रहा है, समझ में आ रहा है आपको। अब आगे पढ़ते हैं, एस के जो तुरंत बगल में बैठा है वो एस से छोटा है। अब एस के जो तुरंत बगल में बैठा है तो 15 बैठा है और एक 39 बैठा है, तो ये भी कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है। जिस व्यक्ति की उम्र 22 है वो उसके दाहिने बैठा है जिसका उम्र 10 है। ओके, अब देखो जिसका उम्र 22 है उसके बाएं बैठा है जिसका उम्र 10 है, ठीक है, दाहिने बैठा है, तो 10 किसका हो सकता है, तो जो कोने पे बैठे हैं, है ना, जो कोने पे बैठे हैं उनका उम्र 10 हो सकता है, क्योंकि वो 2 के गुणक है, और 22 वाला भी कोने पे बैठेगा। तो बोल रहा है कि जिस व्यक्ति का उम्र 22 है उसके दाहिने बैठा है जिसका उम्र 10 है, तो देखो अगर हमारे बात करें कॉर्नर की, तो एक पी बचा हुआ है और एक क्यू और डब्ल्यू, तो अगर मैं 22 को यहां बैठाता हूँ सपोज माना, ठीक है, तो इसके दाहिने यानी कि 1 2, ठीक है, कहीं भी दाहिने 1 2, या फिर इसकी बोल रहा है कि उसके दाहिने बैठा है जिनका उम्र 10 है, जिस व्यक्ति की उम्र 22 है वो उसके दाहिने बैठा है जिसकी उम्र 10 है। अब 10 मान लो तो इधर यहां पे बैठ नहीं सकता है, 10 यहां हो नहीं सकता है, क्योंकि ये मध्य में है और ये कॉर्नर पे इसका फिक्स हो गया है, यहां भी नहीं हो सकता है, तो यहां हो सकता है 10, तो 10 को अगर यहां बैठा है तो 10 के दाहिने यानी कि यहां आना चाहिए था इसको 22 को, ठीक है, पर ये फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है, इसको भी हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। सपोज मान लो 10 को मैंने W पे बैठाया और ये इधर देख रहा है, तो इसका जो दाहिना होगा यानी कि ये इस साइड,
22 आएगा, तो क्यूब पे जाके 22 को हम शूट करते हैं। तो ये देखो अब कंडीशन फुलफिल हो गया, जिसकी उम्र 10 के है उसके दाहिने 22 बैठा है, ठीक है। तो ये 22 यहाँ पे बैठा है, पर ये भी अभी फिक्स नहीं है, हो सकता है कि ये 22 यहाँ नहीं हो सकता ना, क्यों? क्योंकि ये तो 2 का गुणक है, यही होगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब पी की उम्र 10 नहीं है, तो यहां से मैंने 10 को अब हटा देना है। ओके चलो, वाई उसके तुरंत बाएं बैठा है जिसकी उम्र 22 है, 22 है तो इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। तो ये हमारा हो गया वाई, तुरंत बाएं यानी कि इमीडिएट। चलो, वाई की उम्र 51 है, अब इसकी उम्र हमें पता चल गई कितनी है बच्चे, 51। आर की उम्र 20 और 24 से ज्यादा है, अब आर यहां पे अगर है, ठीक है, आर यहां पे है तो इसकी उम्र जो है 20 और 24 से ज्यादा है, ठीक है। 39 और 45 अभी कंफ्यूजन है, थोड़ा इसको क्लियर करेंगे, वैसे भी ज्यादा है 20 और 24, 39 और 45, 39 और 24, ठीक है, 39 और 45 दोनों बड़ा है 20 और 24 से। और एक्स की उम्र पी की उम्र से 3 ज्यादा है, एक्स की उम्र पी की उम्र से 3 ज्यादा है, तो एक्स बचा कहां पे, तो ये एक एक्स बचा यहां पे, तो पी की उम्र से 3 ज्यादा है, तो अगर ये 15 है तो 3 यानी कि ये 12 होगा पी। अब देखो 12 है तो 2 का गुणक है, तो पी कॉर्नर पे है, ये भी फॉलो कर रहा है, ठीक है, और 12 से 3 ज्यादा है एक्स, ये हमारा क्लियर हो गया। पर यहां पे ये देखो कंडीशन जो है आर का और जेड का ये क्लियर नहीं हुआ अभी, तो हम फिर से चलेंगे कंडीशन पे जहां पे अंतर की बात की थी। तो उनकी उम्र का अंतर 6 है, जेड और जो जेड के बाएं दूसरा बैठा है, तो अगर 39 यहां बैठता है तो यहां 45 होगा, ठीक है। और बोलता है कि एस के जो तुरंत बगल में बैठा है वो एस से छोटा होना चाहिए, तो अगर एस के बगल वाले इससे बड़े होंगे यानी कि 45 होगा, तो ये तो कंडीशन गलत हो जाएगा, तो यहां से 45 गायब हो जाएगा और ये आंसर यहां पे आर का वैल्यू हो जाएगा 39, ठीक है। अब ये 39 है तो इन दोनों के बीच का अंतर, आर और जेड के बीच का अंतर 6 होना चाहिए, तो इट मींस कि ये हो जाएगा 33। ओके, देखो क्वेश्चन होके बन गया है तैयार, अब इसको देखो सारे के सारे वैल्यू आ चुके हैं आपके, शुरू से अंत तक वैल्यू को पुट करते गए और कंडीशन को फॉलो करते गए, ठीक है। तो हमने देखा कि सारा का सारा आंसर हमें ऑटोमेटिक आता गया, तो पजल को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं बच्चे, ठीक है। और कहीं भी अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले पजल में जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।